हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो यार, आज की वीडियो है हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के बारे में। सो बेसिकली ये मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर आता है। वो मैं मध्य प्रदेश पे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार तुम लोगों ने कमेंट में कहा था कि भैया मध्य प्रदेश के कॉलेजेस को कवर करिए। तो यार, अब तुम्हारी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी ना यार। तो इसलिए मध्य प्रदेश की अभी ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। अगर तुम किसी और स्टेट से और तुम चाहते हो कि उस स्टेट की भी वीडियो बनानी है, तो भाई कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो उस स्टेट का नाम कि भाई इसके ऊपर स्टार्ट करो। तो यार, इन दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तो भैया, तुम्हें कितने नंबर पे मिलेगा, क्या रैंक है इसकी प्रीवियस ईयर्स की, स्टाइफंड क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में, इस मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें इस मेडिकल कॉलेज की हाइलाइट्स की, तो भैया ये मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था ईयर 2018 के अंदर। कम्प्लीटली गवर्नमेंट टाइप का ये इंस्टीट्यूट है एंड इट इज़ एफिलिएटेड टू मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से, एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफर्ड कोर्सेज की, तो भैया यहाँ पे MBBS है, बेसिकली PG कोर्सेज के अंदर 12 कोर्सेज हैं, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज अभी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एड्रेस की, तो भैया रतलाम, बेसिकली रतलाम के अंदर ये मेडिकल कॉलेज है एंड रतलाम मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड इसका जो इस मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है, वो रतलाम रेलवे जंक्शन से लगभग 6.1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपको ये मेडिकल कॉलेज हाइलाइट्स वाइज कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम MBBS कोर्स के बारे में। सो यहाँ पे नीट UG से तुम एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे क्या इंडिया के सारे करोन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तुम नीट UG से ही एडमिशन ले सकते हो, ऑल्दो प्राइवेट में भी यही काम आता है। बात करें अगर यहाँ पे हम MBBS सीट्स की, तो भैया देर आर 180 सीट्स फॉर यू। एंड अगर जाने फीस स्ट्रक्चर को, तो भैया 1,22,000 रुपये तुम्हारी यहाँ पर ईयर की फ़ी लगने वाली है। तो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेजेस से, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कट ऑफ की, तो देखो ये तुम्हारे सामने, इस चित्र पे ध्यान मत दो, इस चित्र पे ध्यान दे लो बच्चों। तो ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स, ठीक है, ईयर 2022 एंड ईयर 2023 के, ठीक है। ये सारी की सारी कैटेगरीज लिस्टेड है। अगर हम जैसे बात करें SC कैटेगरी की, तो भैया 531 नंबर गए थे 2022 के अंदर एंड 537 नंबर गए थे 2023 के अंदर। जाने अगर जनरल कैटेगरी के बारे में, तो 630 नंबर थे 2022 में एंड 639 नंबर थे 2023 के अंदर। सिमिलरली OBC के 624 थे, 635 हो गए, देन EWS के 625 से 636 हो गए, ST कैटेगरी के 493 से 524 हो गए। तो भैया इस तरह तुम जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो ना, पॉज दिस वीडियो एंड लुक एट दिस स्निपेट वेरी केयरफुली एंड डिसाइड कि भाई तुम्हें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस सही चित्र पे ध्यान देना तुम लोग। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के स्कोर्स की, तो ये की सारी कैटेगरीज लिस्टेड है एंड अगेन ये 2022 के स्कोर्स है, ये 2023 के स्कोर्स है। एंड जो स्टेट काउंसलिंग होती है, वहाँ पे स्कोर्स थोड़े से डाउन जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो जनरल कैटेगरी के 583 नंबर 2022 के अंदर बेहतर थे, 23 में 83 थे, ठीक है। आप SC को देखोगे तो 439 थे, 467 थे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम जैसे फिजिकल हैंडीकैप को देखोगे जनरल कैटेगरी में, तो 139 नंबर ही थे भाई। EWS के अंदर GS को देखोगे तो तुम 517 नंबर थे, ST के 368 नंबर थे। तो यार ये थोड़ा सा शॉकिंग है, बट बहुत ही कम है यार कट ऑफ स्कोर्स। आई एम नॉट श्योर क्यों है ऐसा। तो अगर तुम हो, तुमने एंट्रेंस दिया है पहले भी और थोड़ी सी नॉलेज है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। और बाकी जो कैटेगरीज बच गई थी, वो यहाँ पे है सारी की सारी। जैसे OBC है तो 565 578 नंबर है, EWS के 571 है। तो इस तरह जिसमें अभी आते हो यार, ध्यान से समझ लो तुम्हें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाय द वे डेटा सही है, डाउट मत करना इस डेटा पे बिल्कुल भी, ठीक है। बात कर लेते थोड़े से एडवर्टाइजमेंट की, तो भाई अच्छा ज्ञान अभी गूगल पे भी अवेलेबल है। अपनी वेबसाइट का नाम है www.achhagyan.com। तो अगर अभी तक भी विजिट नहीं किया, तो विजिट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा यार इस YouTube वीडियो के अलावा, और तुम्हारा एक मेडिकल कॉलेज से ना जो भी डाउट होगा उस कॉलेज से रिलेटेड, वो सारा का सारा रिजोल्व हो जाएगा तुम्हारा इस वेबसाइट पे जाके। तो जाके देखो यार, एक बार ट्राई कर लो जाके। अगर हम बात करें इसके चित्र की, यानी कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये कुछ इस तरह का गेट दिखाई देता है, मेन गेट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम। और ये इसकी बड़ी सी अच्छी खासी सी बिल्डिंग लग रही है, वेल मेंटेन्ड है, नया ही मेडिकल कॉलेज बना है तो डेफिनेटली नई है बिल्डिंग।
और ये कुछ और छाया चित्र है इस मेडिकल कॉलेज के। तो और मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये मेडिकल कॉलेज काफी अच्छा लगा। ऑल दो ग्रीन कैंपस नहीं दिख रहा है इसका बिल्कुल भी, बट हो जाएगा यार, थोड़ा सा नया बनाया, मेहनत कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो तुम्हें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटोज कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करें अगर हम इसकी रैंकिंग की, तो ऑल इंडिया में 193 रैंक है इसकी एंड स्टेट रैंक है इस मेडिकल कॉलेज की 1। तो रैंकिंग वाइज यार पता नहीं, मतलब ये मेडिकल कॉलेज ज्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। 8th रैंक बहुत ही ज्यादा है यार, एंड 193 भी बहुत ज्यादा है। बट अनदर रीजन इज कि भाई 2018 में स्टार्ट हुआ है, तो 2 और 3 5 साल हुए इसको स्टार्ट हुए, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी, बिकॉज फर्स्ट बैच ही इसका पास आउट हुआ है अभी राइट रिसेंटली। तो डेट्स वाई वी कांट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस कॉलेज बिकॉज इट इज न्यूली ओपन। सो बाकी हाँ, ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। बात करें अगर हम बॉन्ड एंड स्टाइपेंड की, तो 1 साल का बॉन्ड रहने वाला है मध्य प्रदेश के जीएमसीज के अंदर, एंड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 13,000 या किसी किसी वेबसाइट पे 12,000 था। तो तुम बता दो यार अगर पढ़ रहे हो वहाँ पे तो एग्जैक्टली स्टाइपेंड क्या है, एंड अगर 12 या 13 है तो यार ये बहुत ही कम है, बाकी स्टेट्स में इससे ज़्यादा ही है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, बाकी एग्जैक्ट बताना मेरे को कितना है, 12 है या 13 है। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही होगी। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।